सलाम नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 2 के स्टार कार्तिक आर्यन की, जिन्होंने बड़े बड़े हीरो के बीच में सूखे पड़े हुए बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक निजात दिलाई है। लास्ट 2022 के अंदर जितनी भी 4-5 फिल्में रिलीज हुई है, चाहे फिर वह रनवे 34 हो, शाहिद कपूर की जर्सी, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे हीरोपंती 2 या रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार, सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई है। लेकिन इन सब के बीच में दूसरी तरफ अगर बात करें तो साउथ की फिल्में नए रिकॉर्ड लगातार बनाती जा रही थी और बॉक्स ऑफिस पर भारी भरकम कमाई लगातार कर रही थी। इन सब के बीच में कार्तिक आर्यन एक ऐसे चिराग बनकर आए जिन्होंने अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर इस असफलता के दीपक को एक बार फिर से बुझाया है और एक नई रोशनी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने अपने रिलीज के 4 दिन के बाद लगभग 65 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है और जिस तरह से ऑडियंस कार्तिक आर्यन को और इस फिल्म को प्यार दे रही है, जल्द ही यह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। बात करें फिल्म के अंदर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की, तो फिल्म के क्रिटिक्स यानी फिल्म समीक्षक फिल्म की कहानी के साथ साथ कार्तिक आर्यन की कॉमेडी टाइमिंग और उनकी एक्टिंग की भी तारीफ कर रहे हैं। और इससे पहले भी कार्तिक आर्यन की कॉमेडी की टाइमिंग की फिल्म लुका छुपी और पति पत्नी और वो दोनों में ऑडियंस ने इनको पसंद भी किया और बेशुमार प्यार भी दिया और इसी कारण आज भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म साबित हो रही है और कई जगह तो इस फिल्म के शो हाउसफुल चल रहे हैं। बात करें कार्तिक आर्यन की, तो कार्तिक आर्यन एक सेल्फ मेड एक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिस तरह का भी एक जमाना चल रहा है और दौर चल रहा है, ऑडियंस बड़े बड़े स्टार किड्स से ज़्यादा उन एक्टर्स को पसंद करती है जिन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है और जो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में अपने पैर मजबूत कर रहे हैं। और कार्तिक आर्यन एक ऐसे ही स्टार हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी एक छोटे से करियर के अंदर उन्होंने कई हिट फिल्में दे दी है और जिस तरह से कार्तिक आर्यन आगे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर यही डायलॉग साबित होता है कि रुकेगा नहीं साला। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन एक लंबी रेस के घोड़े हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी ही वह बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्टों में शामिल हो जाएंगे और उनकी फिल्मों की सफलता के साथ साथ उनका स्टारडम का ग्राफ भी लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और खास तौर से फीमेल ऑडियंस तो कार्तिक आर्यन को देखने के लिए सिनेमा घरों में पागल होती हुई नजर आ रही है और ऐसा आप कई वीडियोज में देख भी सकते हैं। तो यह थी बात कार्तिक आर्यन और उनकी हाल ही रिलीज हुई एक हिट फिल्म भूल भुलैया 2 के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नए किसी बॉलीवुड टॉपिक पर चर्चा के साथ, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।